नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हमारे साथ एक शख्सियत है, उत्तम कुमार जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। सबसे पहले आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की हम अपने चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहेंगे। उत्तम कुमार जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तम कुमार जी हैं, इनको हाल ही में, ये कई सालों से वसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते आए हैं और कई अलग अलग पदों पर वसई विरार रीजन में पहले काम कर चुके हैं, लेकिन इनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश स्तर पर इनको केरला प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। और आने वाले 2024 के चुनाव बहुत करीब है, तो ऐसे में इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं, क्या इनकी तैयारी है और इनका प्रकोष्ठ साउथ इंडियन बेल्ट जो है उस पर क्या इनका फोकस है, इस बारे में इनसे पूरा मुलाकात लेते हैं। उत्तम कुमार जी, आपको हमने एक बार शुभकामनाएं दिए, लेकिन आपसे चर्चा शुरू कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही साथ आपको हाल ही में केरल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले आप एक रीजन तक सीमित थे, वसई विरार पालघर तक सीमित थे, अब आप जिले के एक बॉडी में चले गए, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पार्टी का ये जो जिम्मेदारी है इसको आप किस तरह से निभाएंगे, आप अपनी तरफ से क्या पार्टी को दे पाएंगे? वसई महाराष्ट्र में हमारा अंदाज है कि 25 लाख से ज़्यादा केरल के लोग, साउथ इंडियन नहीं, केरल के लोग रहते हैं। उसमें एक एक बेल्ट में बोलता हूँ, वसई विरार एक बेल्ट ऐसा है कि इधर बहुत संख्या में केरल के लोग रहते हैं। कल्याण, डोंबिवली, थाना, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे, ऐसा कई, नासिक, इवन नागपुर में मैं अभी 15 दिन पहले जाके आया, नागपुर में भी कम से कम 5,000 से ज़्यादा नागपुर सिटी में केरल के लोग रहते हैं, उसमें हिंदू क्रिश्चियन सब मिल के। तो केरल के लोग है इधर अच्छी तरह रहते हैं, इधर उनका स्कूल है, चर्च है, मंदिर है, अय्यप्पा मंदिर है, सब है, तो लोग इधर एकदम खुशी से सुखी से रहते हैं। तो उनको जो केरल से आने के टाइम पर उनका सब विचार अलग हो सकते हैं, कम्युनिस्ट हो सकते हैं, कांग्रेस हो सकते हैं, लेकिन अभी मैंने कई बार देखा तो अभी लोगों का मन में परिवर्तन बहुत है और उनको जोड़ के भारतीय जनता पार्टी का साथ जोड़ना मेरा काम है। तो काम अभी जब से जवाबदारी दिया बावनकुले साहब ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, तब से हमने काम शुरू किया। उसका प्रदेश का कमेटी, गृहल विभाग का कमेटी, जिला का कमेटी, सब प्रक्रिया चालू है। और मुझे उम्मीद है जो महाराष्ट्र में रहने वाला जो केरल के लोग है, अभी बीजेपी का नजीक आ रहा है, बहुत करीब में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आप अपनी इस जिम्मेदारी को कहाँ देखते हैं, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक छवि है, वो एक सबसे बड़ी देश की पार्टी है ही, लेकिन उसके बावजूद आपको इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी दी गई है। अभी हो सकता है कि इलेक्शन है, कभी एंटी इनकम्बेंसी या ऐसा कुछ भी आगे जाए चुनावी माहौल में हो सकता है, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ रखते हैं? नहीं, मुझे जो 19 का जो बाई इलेक्शन हुआ था वनगा साहब का निधन का बाद, तभी भी वसई विरार का साउथ इंडियन, खास करके केरल के लोगों ने कमल पर गावी साहब को वोट दिया था, सब बूथ वाइज अपना पास रिपोर्ट है, क्योंकि केरल का लोग भी देखते हैं महाराष्ट्र में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और कोई भेदभाव नहीं है और अच्छी तरह डेवलपमेंट देश में जो दिखते हैं अपन को, वो सबको मालूम है। और केरल के लोग थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, तो इनको तो सबसे पहले मालूम पड़ता है क्या क्या डेवलपमेंट देश में हो रहा है। तो वंदे भारत ट्रेन होने दो, बुलेट ट्रेन होने दो, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, मतलब अपना सामने दिखते हैं सबको, पूरा देश बदल रहा है। तो ये जो आने वाले चुनाव में भी जितना लोकसभा क्षेत्र में केरल की संख्या बहुत संख्या है, तो उधर अपन केरल की लीडर लोग को, अभी वीर मुरलीधरन जी केंद्रीय मंत्री है महाराष्ट्र से राज्यसभा में, सुरेश गोभी जी है वो भी राज्यसभा में मेंबर था और साउथ का सुपरस्टार है, और केरल का जो पदाधिकारी है बीजेपी का, ये काम मैं पहले भी कर चुका है बिना, मतलब तभी जवाबदारी नहीं था। कल्याण डोंबिवली इलेक्शन होने दो, पनवेल का इलेक्शन होने दो, वसई विरार का इलेक्शन होने दो, मैंने ये कोऑर्डिनेशन कर चुका है, इसलिए मेरे को ये इतना करने में दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं कोऑर्डिनेशन कर सकते लोकसभा में अच्छा संख्या में अपना बहुजन जो केरला का जो वोटर्स है, अच्छा वोटिंग कमल का ऊपर और अपना जो युति का ऊपर अपना मिल सकता है। वैसे में आप कई सालों से सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए, सामाजिक क्षेत्र के कई काम आपने किए हैं और खासकर कोविड में भी कई लोगों को आपने मदद की है। आने वाले समय में फिर हमको ऐसा दिख रहा है कि कोविड एक बार फिर से नए रूप में आ रहा है, तो क्या ऐसी योजना आपके पास पुरानी जो है उसको इम्प्लीमेंट एक बार फिर से किया जा सकता है, अगर ऐसी कोई हालत बनते तो? भगवान करे ऐसा हालत नहीं बना है, लेकिन अभी जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो नवगर का जो टीम आया था, डॉक्टर उनका स्टाफ आया था, तो बोल रहा था अभी वापस उनको अलर्ट मूड में रहने के लिए सरकार की ओर से आदेश है,
तो उनको सामग्री जो साहित्य है, मास्क है, पीपी किट है, जो ऑक्सीमीटर है, सब गरज है उनको। तो ऑलरेडी मेरा पास कई सामान इधर है ऑलरेडी, तो मैंने उनको आज ही कुछ सामान दे दिया और मैं उनको बोला 2 दिन में वापस सामान आपको पहुंचा देता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता, अपना इधर तो वैक्सीनेशन अच्छा हो गया, दूसरा डोज भी ज़्यादातर लोगों ने लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा असर पड़ेगा ऐसा, और भगवान का कृपा से ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा प्रार्थना है भगवान से। तो हम बात कर रहे थे उत्तम कुमार जी से, इन्होंने इनकी राजनीति में इनको जो जिम्मेदारी मिली उस पर बातचीत की, आने अगर कोविड के हालात होते तो क्या कुछ ही अपनी तरफ से करने वाले हैं इसके ऊपर जानकारी दी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जाते जाते उत्तम कुमार जी को उनके जन्मदिन के साथ ही उनको जो जिम्मेदारी मिली है केरल प्रकोष्ठ महाराष्ट्र अध्यक्ष की, उसकी बधाई देते हैं। आज के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। एफ न्यूज़ लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बारकोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद।